जय माँ कात्यायनी। सबसे पहले भगवती कात्यायनी को प्रणाम करते हुए, आप सभी मित्र बंधुओं को प्रणाम करते हुए, मैं कल्याण मस्तुजोत संस्थान से आचार्य प्रबोध मिश्रा आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। 2020 का यह नव वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ कारक हो, कल्याण कारक हो, यही मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। मित्रों, इस नव वर्ष 2020 में आपको मैं कुछ नई जानकारी, नया ज्ञान, वर्ष भर के राशिफल को बताने वाला हूं कि जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनका राशिफल किस तरह से रहने वाला है, ग्रह गोचर को कैसा है और किस तरह से जीवन में उतार और चढ़ाव, सावधानियां, उपाय, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। क्या कारण क्या होता है कि जब जानकारी हमें पहले मिल जाती है किसी विषय पर, किसी विशेष ज्ञान पर, तो क्या होता है, हम आगाह हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना है, ये महीना किस तरह आएगा, तो इस महीने में हमें क्या करना है, क्या ध्यान देना है। और जब हम अपनी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, समस्याओं से जब पहले ही परिचित हो जाते हैं तो उनको सहने की शक्ति या फिर उनके संबंधित उपाय हम करने का प्रयास करते हैं और ध्यान देते हैं कि जैसा कैसा जो है हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले वर्ष के आरंभ में आपकी कुंडली के अनुसार गुरुदेव आपके सप्तम होंगे, आपकी राशि से 20 नवंबर को अष्टम भाव यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि सप्तम भाव में धनु राशि में रहेंगे, परंतु 24 जनवरी को शुरुआत में ही 24 जनवरी को शनि अपने अष्टम भाव यानी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु लग्न तथा सप्तम भाव में रहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी अपने अपने शुभ शुभ स्थान का लाभ लेते हुए भ्रमण करते हुए चलते रहेंगे। प्रयास है कि आप इसको सुनेंगे ध्यान से और सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे। चंद्र राशि एक बार चलती रहती है, घूमती रहती है और चंद्र का हर अवसर में आप देखते हैं कि 2.25 दिन का समय होता है, 54 घंटे में चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि प्रवेश कर जाता है। तो सामान्य फल आपको मैं लगभग मासिक राशि फल में या साप्ताहिक राशि फल में बताऊंगा या बताता रहूंगा। अब अगर कहा जाए कि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध एक सामान्य ग्रह है, बुध बुद्धि का और व्यापार का, कर्म का कारक होता है। इस वर्ष आपकी आर्थिक और व्यवसायिक स्थिति पहले से ही मजबूत होगी। किसी नए कार्य का आरंभ आपके द्वारा किया जाएगा, कुछ समस्याएं आएंगी परंतु सफलता भी तरीके से मिल जाएगी। आपको मनपसंद लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। नौकरी की तलाश में है तो सितंबर तक नौकरी आपको अवश्य प्राप्त होगी यानी मिलेगी। नई नौकरी के लिए सोच रहे हैं या नौकरी परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं तो यह भी आपके लिए संभव है। आप नई संपत्ति या वाहन आदि के लिए क्रय में यानी खरीदने में कुछ धन निवेश करेंगे, इससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं तो आप मकान खरीदने का उत्तम योग आपके लिए बन रहा है। पुरानी जमीन जायदाद को लेकर थोड़ा सा आपस में विवाद हो सकता है, परंतु लड़ाई झगड़ा या मारपीट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके राशि में राहु और केतु दोनों का एक ग्रह स्थित है और एक की दृष्टि आ रही है। तो ध्यान रखें, इस समय आपके दुश्मन हावी हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अपने कार्यों में आपको सफलता मिलेगी जिसमें आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। कार्यों में आ रहे व्यवधान, कोई भी कार्य आपका है कैसा भी है, समाप्त होंगे, नए कार्यों की योजनाएं बनेंगी, उसमें भी सफलता के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप छात्र हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपको छात्र होते हुए सट्टे या लॉटरी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और दूर रहना ही आपके लिए कल्याणकारक होगा, आपका हितकर होगा। यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो इस वर्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। अगर आपके साथ कोई मुकदमा जुड़ा हुआ है, कोई विवाद है, तो इस वर्ष आपको न्यायालय से छुटकारा मिल जाएगा। आप अपने कर्म और साहस के बल पर अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों को आर्थिक मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। घर परिवार में मांगलिक कार्यों के कारण खुशी का माहौल रहेगा। माता पिता से कुछ पैतृक संपत्ति
या पैतृक धन प्राप्त हो सकते हैं। अपनी माता की भावनाओं का आपको आदर करना चाहिए, ख्याल देना चाहिए। दोस्तों का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है आपको और होता भी रहेगा। आपके व्यवसाय में उनकी एक अजब भूमिका होगी, जिस भूमिका के लिए आप शायद तैयार बैठे थे, और उस भूमिका से आपको उन्नति के रास्ते भी खुलते नजर आएंगे। संतान की सफलता के लिए आपको कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। जीवन साथी और मां को कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें भी हो सकती हैं। घर में सुख सुविधाओं के संबंधित कुछ नया सामान खरीदने के सहयोग बन रहे हैं। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो वर्ष के दूसरे भाग में आपको स्वास्थ्य संबंधित सतर्क रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। इसलिए अपना स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य और मां का स्वास्थ्य, इनमें तीनों के ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन में दुर्घटना के संकेत भी हैं, बड़ी सावधानी से वाहन चलाएं। बात करते हैं आपके धन संपत्ति की। मिथुन राशि वाले लोगों को ज्यादा धन खर्चा करना पड़ सकता है, धन आएगा तो, परंतु खर्चा भी बरकरार एक लिमिट जो है लय से बना रहेगा, अर्थात धन रुकना संभव नहीं है। प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे खर्चा धन कहां से जा रहा है, ठीक है कहां जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें। आय के नए स्रोत आ सकते हैं, कार्यों में जल्दबाजी न करें। ऐसा करने से आप अपने धन की और मन की जो है हानि कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। अचानक कोई विशेष कार्य आने से और जरूरत पड़ने से पैसा उधार लेना पड़ सकता है। वर्ष के अंत तक स्थितियों में परिवर्तन होगा और आपका माहौल बड़ा खुशनुमा होगा। अगर नौकरी की बात करते हैं तो कड़ी मेहनत के और लगातार प्रयास के करने से आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने पद का दुरुपयोग बिल्कुल न करें। मई जून के महीनों में नौकरी में कुछ परिवर्तन संभव है। इस वर्ष पदोत्तीर्ण के मतलब यानी प्रमोशन के विशेष योग बन रहे हैं। अगर व्यवसाय की दृष्टि देखा जाए तो अपने व्यवसाय में, व्यापार में ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। ज्यादा लोभ नुकसान ही नुकसान, ध्यान रखें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, लोगों के भावनाओं की कद्र करें, आदर करें, सम्मान करें। करियर के मामले में सकारात्मक रुख अपनाएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। बात करते हैं प्रेम संबंधों की। यदि रिश्तों में कोई पहले से ही विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने के लिए समय बढ़िया है, आप इसमें जरूर सुलझाएं। आप पहले किसी और चक्कर में न भटके, अपने नियम पर अपने कार्यों में ध्यान रखें। इस कार्य में आपके नजदीकी दोस्त भी आपकी सहायता करेंगे, प्रेम संबंध में सफलता आपकी जरूर मिलेगी। अब एक विषय आता है, बड़ा अच्छा टॉपिक है जीवन का, क्या करें और क्या ना करें। ध्यान दें, यदि आप छात्र हैं और परेशानी का अनुभव कर रहे हैं तो भगवान गणपति की आराधना और मन ही मन ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का उच्चारण और नियमित जप जरूर करें। आप कम से कम 11 मंत्र जपें, अधिकतम 108 बार भी जप सकते हैं, या अगर समय नहीं मिल पा रहा, समय का शॉर्टेज है, तो आप चलते फिरते भी इस मंत्र को जप सकते हैं। किसी भी विवाद में बचने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, शांत रहकर क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी भी समस्या का हल चुपचाप करने की कोशिश करें। यदि ऐसा करने से करते हैं तो नुकसान नहीं होगा और समस्याओं से आप बच जाएंगे। अपने साथी अथवा परिवार की सहायता जरूर करें। दोस्तों की उपेक्षा परिवार और व्यवसाय के लिए आप सहायता जरूर करें। किसी भी कार्य करने से पहले अपनी मां, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपकी जननी है, उनका आशीर्वाद लें। और ये माता जी नहीं है तो उनका मन में स्मरण करके, उनका ध्यान करके, और उस तरह ध्यान करें कि मैं माता जी का दोनों हाथ से चरण स्पर्श कर रहा हूं, इस तरह से हाथ जोड़ करके मां का आशीर्वाद लूंगा। फरवरी, जून तथा नवंबर और दिसंबर में कोई दुर्घटना या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, सतर्क रहें, सावधान रहें तो ईश्वर अपने आप उसको ठीक करेंगे। ईमानदारी से काम करें। यदि अधिकारी हैं, किसी पद प्रतिष्ठित हैं, अपने सहायक के भावना का ख्याल रखें, क्योंकि ऐसा
करने पर धोखे का शिकार हो सकते हैं। यदि अशुभ ग्रह अथवा राहु केतु मंगल शनि की दशा आपके ऊपर चल रही है तो इनसे संबंधित वस्तुओं का दान आप अवश्य करें। यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो चींटियों को, पक्षियों को और गौ माता को चारा, पक्षियों को दाना और चींटियों को भुना हुआ आटा शक्कर मिलाकर के जरूर दें। इन विशेष उपायों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं। मिलता हूं आपसे अगले अच्छे विषय में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।